गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस आई एम बैक विद दी अनदर हॉल वीडियो ऑन मीशो बैग। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से कुछ बहुत सारे बैग परचेज किए हैं, एक्चुअली कुछ नहीं। और कुछ स्लिंग बैग होने वाले हैं, कुछ टोट बैग होने वाले हैं, कुछ शोल्डर बैग होने वाले हैं। सो अलग अलग तरीके के बैग होने वाले हैं और देखते हैं इनकी क्वालिटी वाइज कैसे हैं। अफोर्डेबल तो है ही, 500 के अंडर अंडर आपको सारे बैग्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक दो बैग है जो 520-530 के समथिंग है, अदरवाइज सारे बैग 500 के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जो फर्स्ट बैग मैंने परचेज किया था वो ये था, और इसको ओपन कर लेते हैं। और प्राइस सभी के ना मैं साइड में मेंशन कर दूं स्क्रीन पे, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा एक एक करके। कुछ के जिनके कुछ ज्यादा ही कम है उनके शायद याद रह सकते हैं। देख लेते हैं अभी ये बैग कैसा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा बैग है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अपना फर्स्ट बैग, और ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इसमें ना आपको दो तरीके के मिल जाएंगे, इसमें आपको सिल्वर स्टोन है और इसके साथ आपको एक ऑप्शन ब्लैक स्टोन वाला भी मिल जाएगा, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। देखने में तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप जिप की क्वालिटी देख सकते हैं, इस तरीके की कुछ जिप है और काफी स्मूथ जिप चल रही है, बहुत ही अच्छी है। इसका स्लिंग देख लेते हैं अंदर। ओ वाओ, सो गाइज आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रैप है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। और इसके साथ ना एक कॉइन के लिए एक छोटा सा पाउच भी दिया है इस तरीके का, जिसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं एक बार इसको स्ट्रैप लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके का ये बैग लग रहा है, काफी इसकी ब्रॉड और ब्यूटीफुल सी, काफी ट्रेंडी इसकी स्लिंग है। और इस तरीके से ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। और इसके अंदर टोटल 1 कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, और अंदर से भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी फील हो रही है। और ये 500 के समथिंग जो मैं आपको बता रही थी ना, थोड़ा सा कॉस्टली है, 500 के ऊपर जो जाता है वो यही वाला बैग है। अंदर से काफी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। इस साइड आपको एक कंपार्टमेंट छोटा सा मिल जाएगा और इधर आपको एक जिप मिल जाएगी, और क्वालिटी वाइज अमेजिंग लग रहा है, और उठाने पर ही पता चल रहा है इसकी क्वालिटी। तो आप डेफिनेटली मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है, आपको जरूर लेना चाहिए। सो गाइज नेक्स्ट अभी ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट मेरा परचेज है ये, इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओके सो गाइज ये मैंने परचेज किया था अपना सेकेंड बैग, लेट्स ओपन इट फर्स्ट। सो गाइज आप देख सकते हैं ये है मेरी सेकेंड बाई, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग गुच्ची का। देख सकते हैं इसके अंदर, ये काफी स्पेशियस बैग है। इसके अंदर एक कंपार्टमेंट आपको ये मिलेगा, एक जिप के अंदर ये मिलेगा, और अंदर ना इसके कोई भी जिप नहीं है, ऐसे ही आपको मिलेगा। इस तरीके का मटेरियल मिल जाएगा अंदर का, एंड आगे ये एक जिप है, और इसमें भी आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस ये बैग है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे मिला था। आई थिंक 300 या 350 के समथिंग मुझे मिला था, प्राइस तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। फिर इसमें आपको कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बेज कलर, ब्राउन कलर और ग्रे कलर, काफी अच्छे ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। और ये इसके साथ इसकी स्लिंग दी है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इस तरीके से ये छोटा बड़ा हो जाएगा। क्वालिटी वाइज भी अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, सो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। अभी हम बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट बैग पे, तो ये ओपन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का है। सो गाइस नेक्स्ट मैंने परचेज किया था, ये आपने जरूर देखा होगा, बहुत ही ट्रेंडीएस्ट बैग लग रहा है। और ये ना पर्पल कलर में मैंने परचेज किया था, क्योंकि ब्लैक व्हाइट में ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। मैंने एक इस कलर में भी ऑर्डर किया था, और आप देख सकते हैं शोल्डर बैग है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, अगर आपको दिखता है तो देखिए इस तरीके की इसकी लुक आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है। इसको ओपन करके देखते हैं अंदर से, तो ये आप देख सकते हैं ये सब निकलता है। सो टोटल एक कंपार्टमेंट है इसके अंदर, एक छोटी सी आपको जिप मिल जाएगी यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आपको एक जिप मिल जाएगी, एंड काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी सामान आपका आ सकता है, और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडीएस्ट बैग भी है। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, व्हाइट ब्लैक तो है ही है, उसके अलावा भी काफी कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। सो अभी तक जितने भी मैंने बैग दिखाए उन सबके मटेरियल पीयू हैं, और इसका मटेरियल कुछ इस तरीके का है, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। सेल्फ में कुछ मटेरियल है और ये पीयू मटेरियल है, तो आप डेफिनेटली इसको भी बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट बैग, लेट्स सी इसके अंदर कौन सा स्लिंग बैग होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि छोटू मोटू सी ये पैकेजिंग है। लेट्स सी इसके अंदर है क्या। ओके
सो गाइज, एक मैंने परचेज किया था ना, ये ब्लैक कलर में, और ये भी काफी अच्छा लग रहा था पिक्चर में। तो देखिए, ये इस तरीके का बैग है, पीयू इसका फैब्रिक है, एंड इस तरीके की इसकी स्लिंग मिल जाएगी इसको, जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चेन का डिजाइन मिल जाएगा, ये कुछ हैंगिंग में है, इसका अंदर इसके एक ही कंपार्टमेंट दिया हुआ है, और इस तरीके का इसका डिजाइन है। वैसे अंदर से भी ब्लैक होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ठीक ठाक लग रहा है ये बैग, और बहुत ही सस्ता है। 179 या 180 के समथिंग मुझे ये बैग मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा लग रहा है। कलर ऑप्शन भी इसमें व्हाइट भी है, और दो तीन कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लिंक सभी प्रोडक्ट्स के मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अपने हॉल पैक स्टोर में भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इस तरीके का बैग है, आप देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे ये भी परचेज कर सकते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं अपना नेक्स्ट बैग। सो नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये थोड़ा हैवी सा लग रहा है इसके अंदर, देखते हैं क्या है। सो गाइज, नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ना, ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था, सुपर क्यूट बैग लग रहा था, और ये ना पर्ल्स में हैंडमेड बैग है, और ये बहुत ही क्यूट है। आप देखो, ये काफी अच्छे काफी अच्छा पैकेजिंग में भी आया है, इसको फिलहाल मैं हटा देती हूँ, और आप देखो कितना अच्छा लगेगा ये हैंड में ऐसे लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। किसी भी आप ड्रेस के साथ कैरी करेंगे ना, या फिर इवन साड़ीज के साथ भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है, ड्रेस के साथ तो अमेजिंग लगेगा। इसका प्राइस और भी थोड़ा सा अप है, आई थिंक 500 के समथिंग है इसका भी प्राइस, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये थोड़ा सा हैवी भी है, बहुत ज्यादा लाइट वेट नहीं है, तो आप देख सकते हैं, मेरी तरफ से तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है, यू शुड बाय दिस बैग ऑल्सो। सो अभी हम बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट बैग की तरफ। अब थोड़ा सा बड़ा वाला ओपन करके दिखाती हूँ, जो कि मैंने एक टोट बैग परचेज किया था, लेट्स सी उसकी क्वालिटी कैसी आई है। सो गाइज, नेक्स्ट बैग ना, ये वाला मैंने परचेज किया था, बहुत अच्छा लग रहा है ये परफेक्ट फॉर ऑफिस कॉलेज वेयर के लिए ना, बहुत ही अमेजिंग है, काफी ज्यादा इसमें सामान आ जाएगा। आप देखो कितना सामान आप भरोगे इसमें, इसमें आपकी बॉटल, बुक्स वगैरह सब आ जाएंगी, और ऑफिस वगैरह के लिए भी लंच बॉक्स वगैरह सारा सामान इसमें आप इजीली भर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पे ये थोड़े थोड़े वो लगे हुए हैं कुछ स्ट्रेट रखने के लिए, क्या बोलते हैं उनको, छोड़ो कुछ भी बोलते हैं, तो इस तरीके का ये बैग है। अंदर से आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी पॉकेट मिल जाएगी, आप चेन देख ही रहे होंगे, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ जूट टाइप का मटेरियल लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, हैंडमेड बैग लग रहा है, काफी काम आने वाला है, और प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, 350-400 के समथिंग है, तो यूजफुल बैग है, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ सामान नहीं है, तो ये थोड़ा ढीला डाला हुआ पड़ा है, जब इसमें सामान हो जाएगा ना, और ये शेप में आएगा थोड़ा सा, तो काफी अच्छा लगने वाला है। देख सकते हैं अगर आपको पसंद आता है मैं तो। अभी दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट बैग, ये भी आई थिंक टोट बैग ही है, बड़ी सी पैकेजिंग से ही पता चल रहा है। तो ये गाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऑनलाइन जब मैंने देखा था ना, और ये ब्लैक कलर वैसे भी ऐसा होता है ना, हर किसी के साथ जाता ही जाता है, और इसका जो ये सेल्फ में डिजाइन है, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं ना, सी ये मैंने परचेज किया था नेक्स्ट बैग, और इसका जो ये सेल्फ में डिजाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो यूज करने के बाद कितने टाइम तक ये चलने वाला है, बट ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था, परफेक्ट फॉर ऑफिस में ये बहुत अच्छा लगने वाला है, कॉलेज में बहुत अच्छा लगने वाला है, और इसके साथ ना ये कुछ रिबन का था, ये कुछ डिजाइन दिया हुआ है, और जिप में इसमें तीन, तीन कंपार्टमेंट है, इसमें तीन कंपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, तो स्पेशियस तो काफी होने वाला है, आप देख सकते हैं, एक एक जिप में काफी काफी स्पेस है, और अंदर का भी इसका ना ब्लैक मटेरियल है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अंदर का ब्लैक ही हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको इस तरीके का सबसे ज्यादा स्पेशियस, एंड देन साइड की आपको एक मिल जाएगी, और चेन की क्वालिटी भी ना काफी स्मूथ लग रही है, बिल्ड आप देखो आराम से इजीली खुल रही है, अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, जब सीधा रखेंगे तो बिल्कुल सीधे से अच्छे से खुल रही है। प्राइस इसका 300-400 के समथिंग है, और मटेरियल आई थिंक इसका भी पीयू है, तो आप देख सकते हैं, अगर आपको परचेज करना है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, परफेक्ट बैग, मुझे तो अच्छा लगा, और आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट बैग। नेक्स्ट था मैंने एक इस तरीके का स्लिंग बैग, कम हैंड बैग आप इसको बोल सकते हैं, इस तरीके का ये बैग है, ये साइड में मैं पिक्चर लगा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए।
तो इस पे ना इस तरीके का कुछ गोल्डन कलर की जैसे चेन होती है ना, उसका कोई स्ट्रैप है, बट ये एक्चुअली मेटल टाइप नहीं है, ये कुछ प्लास्टिक पे कलर किया हुआ है, और ये 350 के समथिंग आप मुझे देख मिल सकते सकते हैं। हैं। ये स्लिंग दी गई है जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हैंड बैग कम स्लिंग बैग कम काफी ज्यादा यूज में आने वाला है, और इसे काफी ज्यादा स्पेशियस है अकॉर्डिंग टू बैग साइज के, और अंदर इसमें इस तरीके की जिप दी गई है, जिप भी काफी स्मूथ है, तो क्वालिटी वाइज तो अच्छा लग रहा है, और 350 के हिसाब से मुझे काफी पसंद आया, और इसमें कलर ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। 350 का है, कोई ज्यादा भी नहीं है, तो काफी अफोर्डेबल है। सो अभी कितने बैग बचे हैं? सो गाइज ये है मेरा लास्ट स्लिंग बैग है ये भी, और ये तो सबसे सस्ता वाला बैग है और सबसे ज्यादा ट्रेंडीएस्ट बैग मैं कह सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये आपने जरूर देखा होगा आई थिंक, इसमें ब्लैक व्हाइट एंड काफी कलर ऑप्शन है, तीन तो है ही है। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बैग है, और काफी ट्रेंडीएस्ट बैग आजकल ये चल रहा है, और ये मात्र 100 रुपीज में, 100 से भी कम ही होगा, ज्यादा का नहीं है। मैं बहुत ज्यादा शॉक भी थी कि 100 रुपीज में कोई बैग कैसे आ सकता है इस तरीके का। इसका छोटू सा स्ट्रैप है, ये शोल्डर बैग है बेसिकली, और इसके अंदर ना गाइज एक ही कंपार्टमेंट आई थिंक मिलेगा, सी एक ही कंपार्टमेंट है, और कोई अंदर कपड़ा वगैरह दूसरा यूज नहीं कर रखा, कोई जिप वगैरह भी नहीं है, तो सिंपल एक छोटा सा पाउच टाइप ये बैग है, और ये पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है, इसको हैंग किया हुआ ना काफी अच्छा लगता है, और 100 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छा बैग है, और इस पे इस तरीके का डिजाइन है जैसे ब्लैक वाले बैग पे था ना कुछ सेल्फ में जो डिजाइन होता है, आई होप आपको दिख रहा हो, तो इस तरीके का ही कुछ डिजाइन है। अगर आप पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको भी ऑर्डर कर सकते हो। तो सो यार गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कॉमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सा बैग अच्छा लग रहा है, और क्वालिटी वाइज अगर आपने किसी ने भी यूज किया तो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से परचेज किया है, लेट्स सी द क्वालिटी आफ्टर यूज। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा सी यू बाय बाय।